तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर गुप्ता, आपका अपने YouTube चैनल धांसू फंडा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आखिरकार चीन और पाकिस्तान की चोरी पकड़ी गई। चीन पाकिस्तान को एक ऐसी हाई प्रिसीजन लेबोरेटरी मशीन की डिलीवरी करते हुए पकड़ा गया है जिसका कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन इस्तेमाल नहीं होता है। यह मशीन फुली ऑटोमेटिक डिजिटली कंट्रोल्ड ऑटोक्लेव मशीन है। इस मशीन का प्रयोग मुख्यतः दो कार्यों के लिए होता है। पहला है वायरोलॉजी लैब्स, जहां पर इसके द्वारा बैक्टीरिया और वायरस पर शोध होता है। पाकिस्तान में इस स्तर का कोई लैब नहीं है। जाहिर है अगर कोई सिविलियन इस्तेमाल नहीं है तो इसका एक ही मकसद है और वह है सैन्य इस्तेमाल। दरअसल इस ऑटोक्लेव मशीन के द्वारा खतरनाक से खतरनाक बैक्टीरिया या वायरस को मल्टीप्लाई कर किसी भी कैरियर मटेरियल पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इस मशीन का दूसरा प्रयोग मेटलर्जी यानी कि धातु शोधन और उसकी गुणवत्ता के सुधार में होता है। इसके बनाए हुए उच्च गुणवत्ता वाले धातु का प्रयोग मिसाइल टैंक के आर्मर, बख्तरबंद गाड़ियों के आर्मर और रॉकेट के खोल बनाने में होता है। दूसरे शब्दों में यह अति संवेदनशील मशीन मिसाइल, रॉकेट, टैंक आदि के निर्माण में काफी कारगर होता है। पाकिस्तान में इसे ऑपरेट करने और इसके द्वारा उत्पादन करने की क्षमता नहीं है, लेकिन सीपैक के नाम पर पूरा पाकिस्तान चाइनीज टेक्नीशियन और इंजीनियरों से भरा हुआ है। बहुत संभावना है कि यह मशीन उनके द्वारा ही इस्तेमाल की जाती। कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि 17 फरवरी 2020 को गुजरात के कांडला पोर्ट पर हांगकांग में रजिस्टर्ड एक जहाज जो कि चीन के जिनजियांग बंदरगाह से सामान लादकर पाकिस्तान के कराची बंदरगाह जा रहा था, इसकी जांच में यह ऑटोक्लेव पाया गया। माल की बुकिंग में इसका विवरण गलत लिखा गया था। इस मशीन की बुकिंग किसी और मशीन के नाम पर की गई थी। यह सीधा सीधा पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंककर चीन द्वारा अपनी शैतानी मकसद को पूरा करने का मामला था। भारत सरकार ने इस मशीन को जब्त कर इंक्वायरी शुरू कर दी है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी और DRDO इस मशीन की संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं। जांच में अगर इस मशीन का इस्तेमाल पाकिस्तान में स्पष्ट नहीं हो पाता है तो चीन मुसीबत में पड़ेगा। MTCR ट्रीटी के उल्लंघन में उस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। यह तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान चीन के हाथों में बिक चुका है। चीन अपने काले मकसद को पूरा करने के लिए कभी अपनी भूमि का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि पाकिस्तान जैसे क्लाइंट स्टेट को आर्थिक रूप से गुलाम बनाकर करता है। उत्तर कोरिया भी चीन की इस तरह की खतरनाक कारगुजारी के लिए एक प्रयोगशाला है। चीन की मनमानी को रोकना ही होगा। उसने पूरी दुनिया को गन पॉइंट पर रख रखा है। उसकी कनपट्टी पर भी बंदूक लगानी होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।